मैंने बोले नहीं मुझे शर्म आती हिमांशी शर्मा फ्रॉम APS दमाना. स्कूल इज कंडक्टिंग एंड आर्ट पेंटिंग एग्जीबिशन स्टूडियो आइसिस क्रिएटिविटी ब्लूम्स हियर. सो वी आर गिविंग अ चांस टू एवरी आर्टिस्टिक यंग आर्टिस्ट टू रिप्रेजेंट देयर पेंटिंग. सो थ्रू दिस पेंटिंग एग्जीबिशन वी आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस आर टैलेंट्स आर एक्सप्रेशंस थ्रू कलर्स एंड स्ट्रोक्स ऑफ ब्रशेस. सो आई थैंक माई स्कूल APS दमाना टू गिव अस who has given this opportunity to all the students to present themselves. जो है मैं आर्मी पब्लिक स्कूल दमाना से हूँ और यहाँ हमारे 2 days का बच्चों का एक दिन एग्जीबिशन है और एक दिन ये काम कर रहे हैं अपना एंड ये प्रेजेंट करेंगे अपना काम आज का भी और ये पिछला काम है जो इन्होंने पहले का किया हुआ है. तो ये हमारा 2 दिन का कैंप चल रहा है. यहाँ एक प्रोग्राम हुआ जो हमने कल इसको ओपनिंग की है. जो हमारे बच्चे हैं स्कूल के डिफरेंट स्कूल से ख़ासतौर से जो आर्मी पब्लिक स्कूल दमाना से आए हैं बच्चे और बाकी डिफरेंट एरिया से बच्चे आए हैं और हमने ये ओपनिंग किया 2 दिन की जिसमें बच्चों को हमने आर्ट के साथ जोड़ा है और स्कूल मैनेजमेंट बॉडी की भी ये कोशिश है कि हम कल्चर एकेडमी की ओर से उनकी सहायता लें और उनके साथ कोलाबरेट करके इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं. जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ से ही जम्मू की इस मिट्टी से धरती से काफ़ी हमारे लोग आर्टिस्ट जो यहाँ से जिन्होंने यहाँ से प्रोफेशनली ये कोर्स किया हो तो बड़े बड़े मंच पर जाकर उनको सम्मानित किया गया है. तो एकेडमी की भरपूर कोशिश है. हम जिस तरह से भी जितनी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ जो युवा बच्चे हैं जो हमारा फ्यूचर है. हम चाहते हैं कि जो युवा हैं हमारे आर्टिस्ट हैं चाहे राइटर हैं चाहे पोइट हैं जितने भी लोग हैं हम उनको यहाँ स्पेस प्रोवाइड करते हैं उसके बाद उनको हम अपने साथ जोड़कर उनको हम ट्रेनिंग देते हैं. और आज ये जो हमारा फंक्शन है 2 दिन का आज कंक्लूड होने जा रहा है और इसमें हमारे श्री भरत सिंह मनास JKS जो सेक्रेटरी कल्चर अकेडमी है उनकी गाइडेंस से उनकी इन्फॉर्मेशन से उनकी सजेशन से ये सारे काम हो रहे हैं. तो प्रिंसिपल मैम APS आर्मी पब्लिक स्कूल दमाना पुष्पिंदर कौर उन्होंने भी पूरा सहयोग दिया है. तो हम चाहते हैं कि इस तरह का जो ये अकेडमी इन बच्चों को प्लेटफॉर्म मिले ताकि ये आगे जाकर फ्यूचर में इसी तरह की जो अपना आर्ट है इस आर्ट का जो लोहा है ये अपनी कलाकारी का लोहा ये मनवाए और दूर दूर तक यहाँ हमारा एक नाम निकले जिस तरह से हमारे काफ़ी आर्टिस्ट लोग बच्चे युवा यूथ. हमने इससे पहले भी एक 3 रोज़ा युवा कैंप किया था उसमें भी इस तरह से पार्टिसिपेशन हुई. तो कहने का मतलब यही है कि हम चाहते हैं कि हमारे युवा जो है वो हमारा फ्यूचर है. हम उनको कला के साथ जुड़े आर्ट के साथ जुड़े थिएटर के साथ जुड़े और लिटरेचर के साथ जुड़े.